रिसेंटली एप्पल ने एक बहुत ही शॉकिंग डिसीजन लिया है। एप्पल के पास फिलहाल 250 बिलियन डॉलर की कैश है और उसके बावजूद भी उन्होंने 88 बिलियन डॉलर का लोन लिया है। तो सवाल ये आता है कि कंपनी के पास पहले से कैश है तो लोन की जरूरत क्या है। तो एक एग्जांपल से समझते हैं कि जब भी कोई प्रोजेक्ट कंपनी शुरू करती है तो तीन तरीके हैं उसे फंड करने के। पहला ये कि आप अपना प्रॉफिट कुछ अक्यूमुलेट करो और उससे उस प्रोजेक्ट को फंड करो। अगर आपके पास नहीं है तो आप इक्विटी यानी अपना स्टेक बेचकर उन पैसों से उस प्रोजेक्ट को फंड करो या फिर कर्ज लो। लेकिन जहां तक एप्पल की बात है तो ना उन्हें इक्विटी डायल्यूट करने की जरूरत थी ना ही प्रॉफिट का वेट करने की जरूरत थी क्योंकि कैश तो उनके पास पहले से ही थी। तो फिर उन्होंने लोन क्यों लिया? मान लेते कि एक 10 बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट है जिसमें प्रॉफिट होने वाला है 10% यानी 1 बिलियन डॉलर। तो ऐसे में उस प्रोजेक्ट के लिए 5 बिलियन डॉलर एप्पल खुद से डालते हैं और 5 बिलियन डॉलर का कर्ज लेती है और मान लेते कि उस 5 बिलियन डॉलर पर उन्हें 5% वहां पे इंटरेस्ट फिलहाल बहुत कम चल रहे हैं इसलिए अज्यूम करते हैं कि 5% का इंटरेस्ट वो पे कर रहे हैं। तो उस 5 बिलियन डॉलर पर उन्हें लगभग 250 मिलियन डॉलर का इंटरेस्ट लगेगा और ये इंटरेस्ट वो यूटिलाइज कर सकते हैं अपने टैक्स डिडक्शन के लिए।